हाय एवरीवन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर से, और लास्ट लेक्चर में मेटल्स नॉन मेटल्स के डिफरेंस तक, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3.26 तक हमने करा था। अब इसके आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3.27। यूज़ द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पीरियोडिक टेबल के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर करना है। जैसे ए नंबर में है, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सबसेल। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, बोला कि पीरियोडिक टेबल के आधार पे उसका यूज करके, उससे मदद लेकर के आप बताओ हमें कि एक वैसा एलिमेंट जिसके आउटर सबसेल में, नॉट आउटर सेल, आउटर सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर सबसेल कहने का मतलब हुआ, देखो सबसेल हम लोग पढ़ते हैं एस पी डी और एफ, ठीक है। अब उसमें से एक बात जो हम लोग जानते हैं कि एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 5 पूछ रहा है, तो ये तो होने से रहा। पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। लेकिन ये एफ और डी कभी भी आउटर सबसेल होते नहीं हैं, कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डी के बाद एस आ जाता है, इसके बाद भी एस पी डी सब करके कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। एफ कभी भी आउटर नहीं हो सकता है, डी भी कभी आउटर नहीं हो सकता। आउटर सेल हो सबसेल हो सकते हैं एस या पी, और उसमें से एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो होने से रहा पी। तो एक वैसा एलिमेंट देख लेना है जिसके पी में 5 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट में, सिंपल सा बात है। तो इसके लिए ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे फ्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। सो 2p इज द आउटर सबसेल, नॉट सेल, आउटर सबसेल, जिसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है। कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, यही ग्रुप 17 का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहाँ भी देखो p इसका आउटर है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है, ऐसे करके। तो ये हुआ यहाँ एफ, फ्लोरीन या क्लोरीन। तो कोई भी एलिमेंट जो ग्रुप 17 का है, उसके आउटर सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसके अलावे नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंगनीज है, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। नोबल गैस के आधार पे लिखोगे तो आर्गन होगा, 3d5 होता है, 4s2 होता है। तो डी में तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी यहाँ आउटर सबसेल तो नहीं है, डी इज नॉट द आउटर सबसेल। आउटर सबसेल यहाँ कौन है, 4 है, 4 इज द आउटर सबसेल। अरे आउटर सबसेल मतलब कि आउटर सेल का सबसेल, सबसेल तो सेल के अंदर होता है, तो आउटर सेल का सबसेल, सिंपल सी बात है। तो यहाँ दिस वन इज इनर नॉट आउटर, तो ये पी वाले होंगे। बस ए नंबर इसका यही था। बी नंबर, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक वैसे एलिमेंट को पहचानना है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता हो, जो 2 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लूज कर सकता हो। इसके भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं,
पूछा तो एक ही है लेकिन हो सकते हैं कई एग्जांपल। कैसे? तो देखो, सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात बोल रहा है तो ग्रुप टू वाले सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, रेडियम रेडियो एक्टिव है छोड़ दिया जाए, ये सब का कन्फिग्रेशन हम लोग जानते हैं एन एस टू होता है, तो ये सारे के सारे दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इतना इतने में से कोई भी लिख सकते हो। इसके अलावे ग्रुप 12 के भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी है, लूज तो और भी करते हैं लेकिन ये दो ही करते हैं, दो से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिंक का कन्फिग्रेशन है 3D10 4S2, तो यह दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फुल फील्ड सबसे हो जाएगा, इसके बाद यह इलेक्ट्रॉन लूज गेन करना नहीं चाहेगा। उसके अलावा पी ब्लॉक में ग्रुप 14 में जो नीचे है PB लेड कन्फिग्रेशन लिखोगे 6S2 6P2 है, तो वैलेंस में चार, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होता है, तो बचेगा पी का दो, तो पीबी भी जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज करके पीबी टू प्लस बनाता है, इसलिए पीबी टू प्लस जो है ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका 4+ से। तो ग्रुप टू के सारे एलिमेंट्स, ग्रुप 12 के एलिमेंट्स और ग्रुप 14 में जो ये नीचे का एलिमेंट है लेड, इसका भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब यह भी दो ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट इसका उल्टा है, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिए ना, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट होगा, उल्टा है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात कर रहा था, इस बार दो इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करेगा। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन टू इलेक्ट्रॉन्स, जो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, गेन करता हो। तो देखो, सिंपल सी बात है कि दो इलेक्ट्रॉन गेन वही करेगा जो दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में होगा, मतलब पहले से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कोई भी एलिमेंट है वह दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कंफर्टेबल कब होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसके वैलेंस में आठ हो जाए, मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो यही जानते हैं ना कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है अस्टेबल होने के लिए वैलेंस सेल में आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए या दो नोबल गैस की तरह बनने के लिए। तो उस हिसाब से यदि कोई दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आठ, और आठ हो जाएंगे तो स्टेबल। तो ये दो गेन करने के बाद आठ तो तब ना होगा भाई जब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, छः, और वैलेंस सेल में छः इलेक्ट्रॉन किसके लिए होता है, ग्रुप 16 का एलिमेंट के लिए। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम, ये नीचे वाले तो मेटेलिक हैं, ये जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे नहीं, तो आंसर में आप ऑक्सीजन या सल्फर को लिखोगे, कि ऑक्सीजन और सल्फर ऐसे एलिमेंट हैं जो बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें इसी का डी नंबर है, आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस,
एट द रूम टेम्परेचर। आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल नॉन मेटल लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। पीरियोडिक टेबल में एक वैसा ग्रुप लिखना है जिसके एलिमेंट्स मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, कोई लिक्विड है तो कोई गैस है रूम टेम्परेचर पे। सोचो कौन सा ग्रुप है जिसमें मेटल, जाहिर सी बात है कोई ना कोई पी ब्लॉक का कोई ग्रुप होगा क्योंकि एस ब्लॉक वाले सारे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक वाले भी सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल कोई है ही नहीं। तो नॉन मेटल की कैटेगरी में बस उधर वाला आता है। अब उसमें से भी बोल रहा है कि लिक्विड है और गैस है, तो ऐसे में करोगे तो एक तो आ जाता है ग्रुप 17 की यदि बात करें, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, तो फिर इसमें ब्रोमीन तो है लिक्विड, क्लोरीन फ्लोरीन है गैस, आयोडीन है सॉलिड, ये तो रेडियो एक्टिव है और ये बेसिकली सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल तो इसमें आ नहीं रहा है, मेटल तो इसमें आ नहीं रहा है। तो और क्या बन सकता है इसमें, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है ना, तो एक ग्रुप 13 वाले को यदि ले, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बोरोन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम गैलियम वगैरह मेटल्स हैं, इसमें से गैलियम रूम टेम्परेचर पे होता है लिक्विड गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम वगैरह मेटल है और इसमें से गैसियस फॉर्म में कौन एग्जिस्ट कर रहा है ये तो थोड़ा मुश्किल है, इसे देखोगे जरा गूगल करके, सेम टाइप करोगे कि आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल नॉन मेटल लिक्विड एज वेल एज गैस एट द रूम टेम्परेचर। तो 17 नहीं होगा क्योंकि इसमें मेटल्स कोई नहीं है, ये हो सकता है मेटल वगैरह के आधार पर क्योंकि गैलियम इसमें जनरली लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, इसके अलावे और वैसा कोई ग्रुप है नहीं, तो 13 विल बी द आंसर होना चाहिए इसका, ग्रुप 13। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3.27। आगे बढ़े, The increasing order of reactivity among group 1 elements whereas that of group 17 elements explain. Reactivity order दिया हुआ है दो group के elements का, group 1 वाले का दिया हुआ है lithium से ज़्यादा reactive sodium, फिर potassium, रिबीडियम सीजियम, मतलब इसमें डाउन दी ग्रुप जाने से रिएक्टिविटी बढ़ रहा है, और दूसरा ग्रुप 17 वाले का दिया हुआ है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। पूछ रहा है ऐसा क्यों है, ग्रुप 1 एलिमेंट में हम लोग डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रहा है, जबकि ग्रुप 17 में डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी घट रहा है, एक्सप्लेन करो इसको कैसा क्यों हो रहा है, एक ग्रुप में डाउन जाने से रिएक्टिविटी बढ़। तो एक तो एक्सप्लेनेशन ये हो गया ग्रुप 1 के लिए,
कि ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें रिएक्टिविटी डाउन दी ग्रुप जाने से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन ये देंगे हम लोग कि ग्रुप वन के एलिमेंट्स मेटेलिक नेचर के हैं, उनका रिएक्टिविटी निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होगा रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा। आप जैसे ही डाउन दी ग्रुप जाते हैं लिथियम से सीजियम की ओर तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है साइज बढ़ने की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा और फाइनली रिएक्टिविटी भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। जबकि इसमें इसमें ऐसे लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नॉन मेटेलिक इन नेचर एंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन मेटेलिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक के साथ इसको भी जोड़ दो नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर एंड दियर रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, देयरफॉर द रिएक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज, इसलिए रिएक्टिविटी भी क्या होगा घटेगा। तो दोनों का अलग अलग वेरिएशन, और अलग अलग वेरिएशन होने के पीछे वजह था दोनों का नेचर कि ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स मेटेलिक हैं जबकि ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक, और मेटल का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी पे जबकि नॉन मेटल का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी पे। तो जैसे ही नीचे जाते हैं तो नीचे जाने से साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, गेन करने का घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है साइज बढ़ने से मतलब कि रिएक्टिविटी बढ़ेगा, और नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घट रहा है मतलब साइज क्या होगा घटेगा। यही था सिंपल सा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री पॉइंट टू नाइन, थ्री पॉइंट टू नाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक configurations of S, P, D and F block elements. S, P, D और F block elements के लिए general valence cell electronic configuration लिखना है outer cell का, केवल outer cell का लिखना है। और इसको जब पढ़ा रहे थे चैप्टर में उस समय भी बोले थे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और देखो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए तो सबसे आसान है
NS1 से 2, पी ब्लॉक के लिए NS2 फिक्स है, NP में होता है 1 से 6, डी ब्लॉक के लिए N-1D होता है 1 से लेकर के 10 तक, और NS होता है 0 से लेकर के 2 तक, 0 भी होता है, बताए थे पैलेडियम में या 0 हो जाता है। और बचा है ब्लॉक, तो ए ब्लॉक के लिए बड़ा सिंपल है, N-2F 1 से 14, N-1D 0 से 1, NS2, जहाँ N हो गया वैलेंस सेल, N-1 हुआ पेनल्टीमेट सेल, और N-2 हुआ एंटी पेनल्टीमेट सेल। ऐसे तो इतना सा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको रटोगे ही किसी भी हाल में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, या जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे जिस रूप में आए, इसलिए इसको रटोगे जरूर। तो 3.29 भी हो गया, हालांकि पीछे लिखा हुआ भी है चैप्टर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.30, असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, उस आधार पे उसके पोजीशन को बताना है पीरियोडिक टेबल में। जैसे सबसे पहला एलिमेंट है NS2 NP4, N बराबर 3 दिया हुआ है, मतलब कि 3S2 3P4। सेकेंड में दिया हुआ है N-1D2 NS2, और N यहाँ 4 दे करके रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4-1, तो 3D2 4S2। और तीसरा नंबर में एक और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है N-2F7 N-1D1 NS2 और N=6। तो जैसे ही N=6 रखोगे तो 6-2 हो जाएगा 4F7, 6-1 5 हो जाएगा 5D1, और ये हो जाएगा 6S2। इस आधार पे पोजीशन को प्रेडिक्ट करना है पीरियोडिक टेबल में, क्या पोजीशन होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, वैलेंस सेल 3 है, इसका मतलब पीरियड 3, पी में जा रहा है ब्लॉक पी, ग्रुप निकाल दो, तो पी ब्लॉक के लिए था 10+ NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन, तो 10+2+4 16, तो हो गया ग्रुप 16 में पी ब्लॉक पीरियड नंबर 3। तो कौन सा एलिमेंट होगा बता सकते हो, थर्ड पीरियड ग्रुप 16 में कौन एलिमेंट होगा, तो ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे करके, तो ये सेकेंड का है, थर्ड पीरियड का है, सो द एलिमेंट इज सल्फर, डायरेक्ट पता चल गया। यहाँ देखो S तो भरा हुआ है, D में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो ब्लॉक हो जाएगा वो D, पीरियड हो जाएगा भाई इसमें वैलेंस सेल है 4, और उसके बाद क्या बचा ग्रुप, तो D ब्लॉक है, इसमें ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है N-1D इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन, तो N-1D में है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 4, तो फोर्थ ग्रुप पीरियड नंबर 4 डी ब्लॉक कौन सा होगा, तो फोर्थ ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है,
टिटेनियम वगैरह था, जर्कोनियम और हाफनियम, तो दिस इज द टिटेनियम, फोर्थ पीरियड का यही है ऐसा। एक लास्ट में इसको देख लो, इसका तो एफ में जाएगा ऑब्वियसली, या एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में तो वैसे कोई जगह है नहीं, वो तो पीरियोडिक टेबल के बाहर है ना, बॉटम में है, उसका पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं है, लेकिन निकालोगे तो पीरियड सिक्स हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट सिक्स और सेवन्थ पीरियड में है, तो यहाँ वैलेंस सेल सिक्स है, पीरियड सिक्स, ग्रुप वगैरह तो निकलेगा नहीं इसके लिए, क्योंकि सबके सब एक ही ग्रुप में होते हैं उसमें ऐसे। तो बेसिकली यह कौन से एलिमेंट के लिए है, क्या था, लाला शिव प्रसाद नंदा परिवार समेत यूरोप गए गुंडों से लड़े, तो यहाँ से शुरू होता है ना, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, इसका है 4F1, 4F2, 3, 4, 5, या एक नहीं भी होता है इसका 7, आई थिंक गैडोलिनियम का होगा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे। तो एक एफ ब्लॉक दे दिया था यहाँ, जिसका कि कोई रोल तो है नहीं, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ऐसे हम लोग पोजीशन पता करते नहीं हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे ऐसे प्रिडिक्ट करोगे पोजीशन को। एलिमेंट भी इसमें लिखा गया, पोजीशन भी पता चल गया। तो एक तो हम लोग फाइंड आउट करने पड़े थे एटॉमिक नंबर के आधार पे, कि एटॉमिक नंबर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखो और फिर उसके पोजीशन को बताओ, लेकिन यहाँ अलग हुआ, इसमें कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया आउटर सेल का, सब नहीं, और उस आधार पे पूछा उसका पोजीशन में, भाई ग्रुप पीरियड ब्लॉक वगैरह, तो इसमें तो हम लोग फंस गए ना, एफ ब्लॉक का कोई पोजीशन ही नहीं पीरियडिक टेबल में, तो ऐसे ही लिख देना बस, इसका ब्लॉक बता दिया, पीरियड बता दिया, ग्रुप तो कुछ सर्टेन होगा नहीं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद के क्वेश्चंस को डील करेंगे। धन्यवाद।